आप सबको प्रणाम करता हूं। जो लोग जोड़े से बैठे हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं। जो विवाहित किसी कारण से अकेले बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श पहुंचाएं। जो कुंवारे बैठे हैं उनको इलू इलू करता हूं। उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो सहारा श्री अमर सिंह जी, मुलायम सिंह जी के प्रोटोकॉल में यहाँ जबरदस्ती फंसे हुए हैं, जिनका कविता से कोई लेना देना नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन लोगों को स्पेशल प्रणाम करता हूँ जो भोजन के चक्कर में ये भजन का आनंद ले रहे हैं। हंसना सिर्फ आदमी के नसीब में है। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा होगा। यदि देख लें तो समझ लीजिएगा ये आदमी होने की तैयारी में है। और किसी आदमी को गुमसुम उदास बैठा देख लें तो समझ लीजिएगा कि ये वो होने की तैयारी में है। आनंद से बैठिएगा, मैं आपको ज्ञान की एक भी पंक्ति नहीं सुनाऊंगा, भगवान महाकाल की कसम खाकर कहता हूँ। इस देश में अमिताभ जी आजकल ज्ञान की स्थिति बड़ी खराब चल रही है। सवेरे 18 चैनल खोलो तो 19 बाबा प्रवचन देते हुए मिल रहे हैं और उसी समय हम ब्रश करके थूक रहे हैं। भारतीयों का कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आता। भारतीय आदमी अपने तरीके से जिंदगी जीता है। सहारा श्री बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय आदमी होता क्या है। बेसिकली भारतीय आदमी वो होता है जो टूथब्रश के आगे वाले हिस्से के खराब हो जाने के बाद चाकू को गर्म करके उस पोर्शन को काटता है और बचे हुए हिस्से से पजामे में नाड़ा डालने का यंत्र बनाता है। ये होता है भारतीय आदमी। इधर से तालियां कम बज रही हैं, इधर का मामला ठीक है। मुझे याद है भारतीय आदमी हीथ्रो एयरपोर्ट पे, लंदन में हीथ्रो पे एयरपोर्ट पे मशीनें लगी हुई हैं पॉलिश करने की जूतों पे। एक पैर डालो पॉलिश हो जाती है, दूसरा पैर डालो पॉलिश होने के बाद वो पैर पकड़ लेती है, फिर उसमें 50 सेंट्स डालिए तो वो पैर छोड़ती है। भारतीय पहुंचा एक, उसने एक पैर एक मशीन में पॉलिश हो गई, दूसरा पैर दूसरी मशीन में फंसा दिया। मुलायम सिंह जी, मरण तो उस आदमी का हुआ जो अंग्रेज आया। उसने जैसे ही पहला पैर फंसाया मशीन ने पैर पकड़ लिया, उसकी काउंटिंग में तो 2 हो गए। भारतीय आदमी ये होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज यहाँ हमारे दिलीप चौबे जी और राकेश पांडे जी मुझे एंटरटेन कर रहे थे, बता रहे थे ये 325 एकड़ में फैला हुआ है सहारा शहर। मैं आपके लिए जानकारी देता हूँ, सहारा शहर 325 एकड़ में नहीं फैला हुआ है। सहारा आजकल इन दिनों देश में एक विचार बन गया है जो पूरे देश में यत्र तत्र सर्वत्र नजर आता है। हथौड़े ने चाबी से पूछा, सुन चाबी, लोहा तो तेरे पास कम है, ताकत तेरे पास कम है, पर तू ताले को इतनी सरलता से कैसे खोल लेती है, और मुझे खोलने में बहुत ताकत लगती है। तब चाबी ने हथौड़े को जवाब दिया कि सुन हथौड़े, लोहा और ताकत तेरे पास ज्यादा है, पर तू ताले की ऊपरी सतह को छूता है और मैं ताले के अंतर मन तक जाती हूँ और उससे निवेदन करती हूँ और वो खुल जाया करता है। स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने लोगों के दिलों में उतरने का प्रयास किया, इसलिए वो 100 वर्ष बाद भी आज भी हमारे अंतस में हैं। लोग दिमाग पर छाते हैं, उन्होंने दिल में पहुंचने की कोशिश की। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूं और एक छोटी सी हास्य व्यंग की कविता से अपनी बात समाप्त करता हूं। जब मैं कहूं मजा ही कुछ और है, आप ताली बजा दीजिएगा। ये इनका तकिया कलाम होता है। जिनके आखिरी उंगली के नाखून का भी ऑपरेशन नहीं हुआ वो आपको बाईपास कराने के लिए हॉस्पिटल का सजेशन देने आ जाएंगे। ये होते हैं रायचंद, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और ऑब्जर्वेशन देखिएगा। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और रोडवेज की बस की सीट में से स्पंज निकालने का, मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है।
एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का साइकोलॉजी है, एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, ये एक शौक होता है। क्यों सेठ जी, इस बार कैलेंडर वैलेंडर नहीं आए क्या? मैंने कहा तेरे घर में जगह तो है नहीं टांगने की, क्या भाभी की चोटी पे टांगेगा कैलेंडर? पर आदमी मांगता जरूर है फोकट की डायरी और कैलेंडर मांगने का, एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का, और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। भैया ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनका चरित्र चित्रण हो रहा है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का। भैया थोड़ी चटनी देना। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धोल जमाने का। मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का। ससुराल किसी की बुरी नहीं होती और साला तो विवेकानंद जी से कम बुद्धिमान किसी का होता ही नहीं है। और ब्याज के माल से मलाई खाने का, थर्ड क्लास ससुराल को फर्स्ट क्लास बताने का, पंगत में बैठ के एक ही सब्जी के लिए दो दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के टेलीफोन से चिपकने का, गुटखे और पान इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का। मजा ही कुछ और है। मित्रों, श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मन मेरा उस वक्त रोता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं, और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं, और कुछ श्रोता तो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ, तालियां बजाइए।